आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से जारी की गई नई अपडेट के बारे में। इग्नू की तरफ से जो कोर्सेज हैं उनकी फीस को एक बार फिर से रिवाइज कर दिया गया है, तो उसके ऊपर हम आज की वीडियो में बात करेंगे और साथ में ग्रेड कार्ड की नई अपडेट के ऊपर बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इंपॉर्टेंट अपडेट को भी जरूर देखें। आप प्रतिमा चौहान मैडम की क्लासेस को अनअकैडमी पर फ्री में देख सकते हैं। मैडम की 22 मई 2022 को क्लासेस जो होने वाली है उनका शेड्यूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और मैडम की क्लासेस का जो लिंक दिया हुआ है उन पर क्लिक करके आप मैडम की क्लासेस को फ्री में देख सकते हैं। मैडम क्लासेस लेती हैं स्पेशल क्लासेस एसएससी रीजनिंग और करंट अफेयर्स के ऊपर। मैडम लाइव होती है हर दिन अनअकैडमी पर, तो आप प्रतिमा चौहान मैडम की क्लासेस को अनअकैडमी पर फ्री में ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को तुरंत खोलिए और लिंक पर क्लिक करके आप मैडम की क्लासेस को देख सकते हैं। आप एसएससी बैंक यूपीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरे कोड PC2021 का इस्तेमाल कीजिए। आप मेरे कोड PC2021 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी ज़रूर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्रतिमा चौहान मैडम की क्लासेस का भी लिंक और साथ में आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मेरे PC2021 कोड से जो आप ले सकते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप यहां पर देख पा रहे होंगे जुलाई 2022 एडमिशन साइकिल जो है उससे फीस रिवाइज की जा रही है। 35 कोर्सेज कुल मिलाकर 35 कोर्सेज ऐसे जिनकी फ़ीस को रिवाइज करने का फैसला लिया गया है। अब देख लेते हैं कि फीस जो है वो कितनी है। तो BCA की जो अब नई फ़ीस होगी वो होगी 7500 पर सेमेस्टर, यानी कि 7500 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से अब आपको फ़ीस देनी होगी। बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसे BCOM भी कहा जाता है उसकी 3800 यानी कि 3800 रुपये पर ईयर के हिसाब से फ़ीस होगी। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस की बात करें तो ये BSc जिसको कहा जाता है BSc जनरल, तो उसकी 5300 रुपये पर ईयर के हिसाब से फ़ीस होगी, यानी कि 5300 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से फ़ीस होगी। जो BA होता है BA जनरल उसकी 3800 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से फ़ीस होगी। ये जो पूरा PDF है 35 जो इसमें कोर्सेज लिखे हुए हैं उनकी रिवाइज फ़ीस का पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा चौहान वीडियोज़ पर, वहाँ पर से भी आप इसको देख सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज्म स्टडीज़ BTS जिसको कहा जाता है उसकी 4200 पर ईयर के हिसाब से फ़ीस कर दी गई है। फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी 4200 पर ईयर के हिसाब से कोर्स कर दिया गया है, पर ईयर के हिसाब से फ़ीस कर दी गई है। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स सोशियोलॉजी जो है उसकी 4200 पर ईयर के हिसाब से फ़ीस कर दी गई है। उसके साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इन सभी की फ़ीस 4200 पर ईयर कर दी गई है। फिर साइकोलॉजी ऑनर्स जो है BA साइकोलॉजी ऑनर्स उसकी 4500 पर ईयर के हिसाब से फ़ीस कर दी गई है। फिर आपका BA ऑनर्स इकोनॉमिक, संस्कृत, उर्दू, इन सभी की भी 4200 पर ईयर के हिसाब से फ़ीस कर दी गई है। उसके बाद MBA जो है उसकी 15,500 रुपीज़ पर सेमेस्टर के हिसाब से फ़ीस कर दी गई है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है उसकी फ़ीस 15,500 रुपीज़ पर सेमेस्टर कर दी गई है। उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स रूरल डेवलपमेंट डिस्टेंस एजुकेशन, इन दोनों की फ़ीस 6500 पर ईयर और 6000 पर ईयर रिस्पेक्टिवली कर दी गई है। ये देखिए हम तो मास्टर ऑफ आर्ट डेवलपमेंट स्टडीज़ की फ़ीस 6000 पर ईयर कर दी गई है, मास्टर ऑफ आर्ट जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ की फ़ीस 6000 पर ईयर कर दी गई है, मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, हिंदी, फिलोसफी की फ़ीस 7000 पर ईयर कर दी गई है। उसके बाद मास्टर ऑफ कॉमर्स जिसको MCOM भी कहा जाता है उसकी 9000 पर ईयर फ़ीस कर दी गई है। मास्टर ऑफ आर्ट्स गांधी एंड पीस स्टडीज़ 6000 पर ईयर फ़ीस कर दी गई है इसकी। मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री की फ़ीस भी 7000 पर ईयर कर दी गई है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स जो है उसकी फ़ीस 8500 पर ईयर कर दी गई है। मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सभी की फ़ीस 7000 पर ईयर कर दी गई है। मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडीज़ की फ़ीस 6000 पर ईयर कर दी गई है। मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत की फ़ीस 7000 पर ईयर कर दी गई है। और मास्टर ऑफ आर्ट्स फोकलोर एंड कल्चरल स्टडीज़ की फ़ीस 6000 पर ईयर कर दी गई है। और मास्टर ऑफ आर्ट्स
एंड डेवलपमेंट स्टडीज इन्वायरमेंटल एंड एकोपेशनल हेल्थ जो है उसकी फ़ीस 7,000 पर ईयर कर दी गई है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो भी सभी एकेडमिक प्रोग्राम के लिए 100 रुपये बढ़ा दी गई है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको आप पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगा। चौहान वीडियोस YT मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आज ग्रेड कार्ड में भी आपके लिए नई अपडेट है। आज ग्रेड कार्ड आपके लिए 21 मई 2022 तक अपडेट कर दिया गया, यानी कि आज ग्रेड कार्ड अपडेट किया गया है। तो आपका अभी अगर टर्म एंड एग्ज़ाम रिजल्ट आया है, अगर आपका असाइनमेंट का रिजल्ट आया है, प्रैक्टिकल का रिजल्ट आया है, तो आप एक बार अपना ग्रेड कार्ड जरूर चेक करें। ग्रेड कार्ड का लिंक आपको इग्नू की वेबसाइट पर भी मिल जाता है, साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ग्रेड कार्ड का लिंक देख पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।